सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल KT95 ब्लॉग। सो आई होप आप सब एकदम ठीक और मस्त सुस्त होंगे। और आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह, तो वो जगह का नाम तो मैं राइट पे ही बता दूंगा आगे, है ना। सो राइट तक साथ रहिए। सो लेट्स गो। हाँ, तो हाईवे निकल चुका हूँ मैं अभी। मैं आप लोगों को तो बताना ही भूल गया, मैं जा रहा हूँ बर्बिंग। एक विलेज है वहाँ पे, एक वो क्या बोलता है, बड़ा वाला एक चोटी है ना, वहाँ से नीचे का नज़ारा वगैरह अच्छा दिखता है। इसलिए मैं घर पे ऐसे ही बोरिंग हो रहा था, बाइक निकल के थोड़ा क्यों ना क्यों ब्लॉग बना लूँ ऐसे सोच के निकल पड़ा। चलो देखते हैं कैसा होता है आज का राइड। गर्म बहुत बढ़ गया है, स्टूडेंट भी लंच ब्रेक है शायद। जब एग्जॉस्ट चेंज किया है ना, तब तो चलाने में भी नेक्स्ट लेवल। मैंने जब लास्ट ब्लॉग बनाया ना, तब से मैंने बाइक को हाथ ही नहीं लगाया था, क्योंकि अभी इतना काम नहीं ना, इसलिए जब ब्लॉग बनाता हूँ तभी। अभी मेरे को नेक्स्ट मंथ 2 तारीख शायद मैं गैंगटॉक जाऊंगा, वहाँ का भी व्लॉग डाल दूंगा। सो गैंगटॉक का डेली लाइफ कैसा होता है, डेली मतलब मैं तो बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ, पर मेरे को पता है गैंगटॉक का डेली लाइफ कैसा चलता है ना, उसका भी आप लोगों को व्लॉग पे दिखा देता हूँ कितना जाम होता है वहाँ पे। मैंने देखा है ज़्यादातर व्लॉगर्स वहाँ का जाम का इतना वीडियो नहीं डालता है ना, मैं पूरा पूरी डाल देता हूँ वहाँ का वीडियो जो जाम पे कैसा होता है ना। नामथांग बाज़ार शायद आप लोगों को 2 बार हो गए यहाँ पे दिखते हुए ये बाज़ार। मेरा दोस्त भी है शायद आसपास ही होगा। ये जो मैं जा रहा हूँ ना परविंग विलेज, वो नामची के रास्ते से जाता है। ये अभी हम लोग जगह क्रॉस किया ना, ये इसको बोलता है फोंगला, फोंगला बाज़ार है, छोटा है। यहाँ से वो रास्ता अलग होता है उसका, जो मैं जा रहा हूँ उस जगह का। वो आप लोग ने पिछले वाले ब्लॉग देखा था शायद, आज से 2-3 महीने पहले ब्लॉग। वो मैं मतलब जनवरी ऐसे 1-2 तारीख के ब्लॉग था शायद,
वो हम लोग ऊपर गए थे ना भाले ढूंगा, यही रास्ते से गया था हम लोग वो भाले ढूंगा जाते समय। यहाँ से जाके वहाँ पे दो तीन भाई था मेरा ग्रुप का, वो जो आप लोग ने वीडियो पे भी देखा होगा, वो लोगों को पिकअप करके और ले गया था राबंगला के साइड। आगे एक फॉल्स है, बड़ा वाला फॉल्स, यहाँ से ऊपर लेने पड़ेंगे। जब हम लोग भाले ढूंगा गया था नीचे से गया था, अब ये ऊपर से इस रास्ते से नामची भी जाता है। नामची अभी मेरा एक दोस्त पूछ रहा था, तुम क्या गोप्रो से वीडियो बनाते हो? मैं बोला नहीं, फ़ोन से ही बनाता हूँ। अब गोप्रो लेने का तो मन कर रहा है आप लोगों को सरप्राइज, आप लोगों को सरप्राइज दे दूँगा गोप्रो से वीडियो डाल के। ओए मैं तो नाले से घूम के आ गया। डस्ट वगैरह आता है ना गाड़ी के पीछे रहने से। Riders on the floor, गाना तो ऐसे कुछ है। जब एक समय पे ना वो नामची का मेन हाईवे वो ब्लॉक हुआ था ना, मतलब ब्लॉक नहीं ब्लॉक हुआ, मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, हुआ था ना, हाँ उस टाइम पे ये रास्ते बहुत चलता था क्योंकि गाड़ी वगैरह सब इसी रास्ते से चलता था ना, नामची गैंगटोक रामपू वगैरह। वो लैंडस्लाइड, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था ना आज से शायद तीन साल पहले, हाँ आज से दो तीन साल पहले। वो जिस जगह है ना उसके नीचे साइड पे हूँ, परवीन जगह के नीचे। जो हम लोग आ चुके हैं परवीन विलेज पे, यहाँ से भी है ना इतना ग्रीन वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल जो बहुत सप्लाई होता है यहाँ से, शायद सिक्किम का शायद 30-40% तो यहीं से ग्रीन वेजिटेबल वो होगा, सप्लाई होगा गैंगटोक पे इसी जगह से। यहाँ पे खेती पाती इतना अच्छा है ना। रुक के कुछ पीने और खाने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। चलो कुछ खाने पीने के बंदोबस्त भी हो गया। हमेशा मैं कहीं पे जाता हूँ ना अकेले, ऐसे ही कुछ कचर पचर ले लेता हूँ खाने के लिए। लेट्स गो, अब पहुँचने वाले हैं। दो तीन मिनट का रास्ता है। लो स्टार्ट हो गया। जो मेन व्यू है ना उधर से दिखता है आगे से, यहाँ आगे से, यहाँ तो बस एक शुरुआती है। वो दिख रहा है वो नामची जाने का रास्ता है। यहाँ से सीधा नामची हाईवे का रास्ता है, यहाँ से नीचे मतलब। चलो चलिए,
जब मैं छोटा छोटा था ना, नामची जाते समय कभी कभी वो रास्ता बंद हो के इसी रास्ते से चलते थे ना बस पे। उस टाइम एक बस था, वो पुराना वाला, वो बस से जाता था ना, बहुत डर लगता था। यहीं से टर्निंग लेता ना, अब मेरे को तो नीचे ना इतना ज़्यादा डर लगता था, मेरे को लग रहा है अब तो गया। यहाँ से ऐसा दिखता है कुछ नजरिया, वहां तक भी जा सकते हैं हम लोग शायद। वहां भी देखो एक व्यू पॉइंट है। लो हम लोग आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, आज का डेस्टिनेशन पे। ऐसा कुछ है यहाँ का नजारा, ये व्यू पॉइंट का। वे मैं जब यहाँ पे लास्ट टाइम आया था, इतना वो डेवलप नहीं हुआ था ये रोड, मतलब ये रोड इतना बना नहीं था जब मैं लास्ट टाइम आया था। ये देख रहे हैं नीचे, अभी ये हाईवे है, हाईवे से यहाँ ऊपर नया रोड लेके ऊपर यहाँ पे जो चलो निकलते हैं अभी मैं, क्योंकि सब घूम चुका हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे आधा घंटा 40 मिनट तक रुका यहाँ वहाँ पे। सो स्टूडेंट, वो जो कॉलेज का स्टूडेंट वगैरह आया, इसलिए मेरे को भी निकलना पड़ा। ऐसे जब अकेला ना तभी तो तभी मज़ा आता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। सो प्लीज़ यहाँ तक देखने के लिए एकदम धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है ना। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। So till then, love you all. Bye.